हाय फ्रेंड्स, मैं अंकुर और प्रदीप जो आने वाले टाइम में आयरन मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम एक मस्त एक्टिविटी करने वाले हैं। अभी लगभग 4 बजे हैं और हम जा रहे हैं नीमराना फोर्ट, जो शायद 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे क्योंकि 120 किलोमीटर की दूरी पे है, और रात को वहीं स्टे करेंगे। मोस्ट लाइकली डिनर के टाइम तक पहुँच जाए, नहीं तो जैसे भी मैनेज करेंगे। कल हम वापस आएंगे 120 किलोमीटर वहाँ से, और प्रदीप हमें मिलेगा मैकडोनल्ड्स पे गुड़गांव टोल के बाद। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। हाय गाइस, सो आई एम गोइंग टुडे फॉर माय फर्स्ट साइकिलिंग राइड व्हिच इज अराउंड 120 किलोमीटर वन साइड, सो आई एम फुली एक्साइटेड गोइंग विद माय भैया एंड मिस्टर प्रदीप, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अब हम रेडी हैं जाने के लिए, और किक ऑफ करते करते हमने 20 मिनट और वेस्ट कर दिए हैं, तो हम और वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर गोइंग फॉर 120 किलोमीटर्स, और मैं घड़ी में ऑन कर रहा हूँ अपने GPS, इसमें जब तक पकड़ता तब तक अंकुर आपसे बात करेंगे। हाय, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, दिस इज माय फर्स्ट साइकिल राइड, सो लाइक लेट्स सी हाउ आई विल डू इट, बट आई एम एक्साइटेड, सो आई एम हैव विद माय ग्रेट मेंटर, थैंक यू। दोस्तों, हमें सी ऑफ करने के लिए कौन कौन है बताइए जी। सान्या, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप हमें? ऑल द बेस्ट Papa, best of luck, and I know you will have fun. And as running ki tarah, thodi time baad main bhi aake saath aaungi. आप दोनों ही वैसे बहुत बड़े बॉस हो, 42.2, और वैसे ही बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर चुके हो, मेरे हिसाब से तो आप बहुत आराम से पूरी करोगे। हमारे 5 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, ये अंकुर है। सो अभी तो जर्नी बिगेन हुई है, देखते हैं क्या होता है, मज़ा आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, हम 20 किलोमीटर कर चुके हैं, 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं। बाकी अंकुर आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका, जोर से। अब तक तो बहुत बढ़िया रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक का डर लग रहा है मेरे को, हल्का हल्का। लंदन से आने के बाद दिल्ली के ट्रैफिक का डर लग रहा है। प्रदीप का कॉल हमें आ चुका है और वो हमारा वेट कर रहा है, तो हम बात करेंगे। देखिए प्रदीप, वैसे तो हमें हल्दीराम के पास मिल गया था, लेकिन वहाँ शोर ही इतना ज़्यादा था, शोर यहाँ भी काफ़ी है, ट्रैफिक भी काफ़ी आ रहा है। अंकुर जरा ट्रैफिक दिखाएं। हमें लगभग 3 घंटे हो चुके हैं साइकिलिंग करते हुए, और एग्जैक्टली 3 घंटे 8 मिनट हुए हैं, और 56.2 20 किलोमीटर हमने कर लिया है, पर लगभग इतना डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा बाकी है। अभी मैंने होटल में बड़ी रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के अपने लिए खाना रखवाया हम लोगों के लिए, बिकॉज़ डिनर जो है गाला डिनर 10 बजे ख़त्म हो जाएगा, और हमें पहुंचते हुए शायद 11 या 11:15 बज जाएंगे। तो प्रदीप, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका वीडियो पहले नहीं बनता है, तो ऐड करें कुछ। आई एम एंजॉयिंग दिस राइड बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लॉन्ग राइड फॉर मी, इतना तो मैं कभी साइकिलिंग में करा नहीं है, तो आज थोड़ा सा बैक में है, लेकिन वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, दैट्स द मेन थिंग। तो अभी हम कैमरा घुमाते हैं और अंकुर की तरफ लेके जाएंगे। मेरे को आज पता चल रहा है, जब आप बातें करते हो कि हमने ग्रुप में रनिंग किया, बहुत मजा आया, वो मजा आज मैं महसूस कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप, मतलब अभी तक यस लाइक जैसे प्रदीप ने कहा, मेरे को भी हल्का सा यहाँ पे पेन हो रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे कलाइयों के पास प्रेशर से शायद आई थिंक सो। तो गिफ्ट शॉट का फायदा हुआ आपको? वो शायद मेरे लिए वो तो मतलब एकदम वरदान साबित हो गया मेरे लिए इस टाइम पे। और इवन अगर ये जो ग्लव्स आप देखेंगे, दिखाइए अपने ग्लव्स, ये ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहली बार जब मैंने करनाल के लिए चलाया था तो ग्लव्स की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, किसी और के ग्लव्स लिए थे, इस बार मेरे अपने ग्लव्स हैं, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों, बीच में अगर हम रुकेंगे तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नींद आना, बहुत से खाना खाते हुए मिलेंगे आपको। थैंक यू, बाय बाय कर दो। फ्रेंड्स, ये अंकुर और प्रदीप प्रोटीन बार खा रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा नाम है आपका? जीतू भोजनालय। जीतू भोजनालय, जहाँ से हमने 3 बिस्लरी की बॉटल ली है। ये बोल रहे हैं जितने की हमारी साइकिल होते हैं भैंस आ जाती है, बताइए जी क्या बोलना चाहते हैं आप? ये भाई साहब 60,000 की साइकिल है, 50,000 की साइकिल है, दादा कह रहे हैं कि इतने में तो एक भैंस आ जाती है, तो आपने इतनी महंगी साइकिल क्यों ली? कहने का मतलब ये जो है दादा हमारे ये पूछ रहे हैं कि ये अपने आप चलती है पैडल से चलती है? नहीं, पैडल से चलानी पड़ती है। पैडल से चलानी पड़ती है, बाद में स्पीड तेज हो जाती है, ब्रेक नहीं, नहीं अपने आप तेज नहीं होती, पांव से तेज होती है, गियर होते हैं, गियर होते हैं। अच्छा, कम और पच्चीस दादा उधर जाके साइकिल के पास खड़ा।
मेरा नाम जगमोहन शर्मा जी है, जगमोहन भारद्वाज जी। जगमोहन भारद्वाज जी भुवन जी की साइकिल के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। जो है अपने फ्रेंड, क्या नाम है आपका? तोहित खान। तोहित खान से वीडियो बनवा रहे हैं साइकिल पे, तो हमारी साइकिल जो है वो पॉपुलर हो गई है। हाय फ्रेंड्स, हम 83.54 किलोमीटर कर चुके हैं, लगभग 35 किलोमीटर बाकी है, तो अगला सफ़र लगभग पौने दो घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक विल रीच बाय 10:45 तक पहुँच जाएंगे। खाना तो हमारा रख ही दिया है। तो अभी पानी कैसा लग रहा है प्रदीप? पानी तो ऐसा लग रहा है वी आर अमृत तम पी रहे हैं ऐसे। वो लगता मंथन में हमको मिल गया। इससे बढ़िया कोई ड्रिंक नहीं है वर्ल्ड में। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी नीमराणा फोर्ट में खाना खाते हुए जो हमने स्पेशल संदीप जी को कह के रखवाया है, उनके भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाए। थैंक यू। हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो गए। वेलकम मुरली वाला ढाबा के पास पहुँच गए। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई हैव कंप्लीटेड 100 किलोमीटर बाइक राइडिंग and enjoy a lot, please. Same with me, first time 100 kilometer, थोड़ा सा कम टाइट है, फिस हो चुकी है मेरी। Yeah, but this is like awesome feeling. Yeah, congratulations everybody. Yeah. Thank you. Exactly 103.3 kilometers हो गए हैं और 5 घंटे 58 minutes हो गए हैं, तो almost 6 घंटे होने वाले हैं और हमारा अभी 18-19 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। रात के 10:15 हो गए हैं, दस बीस पच्चीस हो गए हैं, तो होपफुली हम 11:30 तक होटल पहुंच जाएंगे, 11:15 तक। तो बाकी बाद में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, भूतिया ट्रिप खत्म हो गया है। इस टाइम हम नीमराणा होटल के होटल में हैं। मैं नहा लिया हूँ, ये दोनों आयरन मैन इन मेकिंग पहने। हमारे 125 किलोमीटर 7 घंटे कुछ मिनट में हुआ है। इस टाइम घड़ी देखने का मन नहीं कर रहा है, वाट लगी हुई है, खाना आने वाला है। बाकी आप अंकुर और प्रदीप से पूछें कि ट्रैफिक और बाकी चीज़ों का क्या हाल था और रात का बताओ जी। अंकुर जी, ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल था, थोड़ा धूल मिट्टी ने भी तंग किया, लेकिन हाँ ये भी एक एक्सपीरियंस जो जिंदगी भर याद रहेगा। यार रियली लाइफ टाइम मेमोरेबल जर्नी वॉज देयर। बहुत एंजॉयमेंट भी था, बराबर से ट्रक गुजर रहे थे, आवाज़ भी थी, पर एंजॉय किया खूब खूब एंजॉय। यहाँ के बिल्कुल रिलैक्स हो गया सब कुछ। सर बढ़िया है, ये लोग नहाने जाएंगे, बाकी हम एक्सपीरियंस कल सुबह उठ के बताएंगे। थैंक यू। आज सुबह नीमराणा फोर्ट मॉर्निंग में मैं अभी उठा हूँ सुबह, अभी मैं तो फ्रेश हो गया हूँ, नहा धो के तैयार हो गया हूँ। रात जो पेन था अभी वो बैक का तो ख़त्म हो गया, पर नीचे हिप में और ये इसमें पेन है अभी भी, हैंड्स में पेन है अभी भी। ग्लव्स का इशू रहा, हाँ थोड़ा ग्लव्स का इशू रहा, बट रात को नींद बड़ी साउंड आई, पता नहीं चला कहाँ पे था, बट वी आई हैव एंजॉयड द नाइट हियर। हाय, सेम विद मी, पेन तो अभी हाँ थोड़ा सा है नो डाउट, लेकिन स्लीप तो एकदम मतलब साउंड एंड हार्ड। अब इस स्लीप आसान के बाद अब नीमराणा फोर्ट को इंजॉय करने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद। आप लोगों को भी दिखाएंगे हम, हाँ वो जो कि बहुत आज मेरा बहुत दिनों के बाद हैवी ब्रेकफास्ट होने वाला है। यस थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, उठ गए हैं, कमरा बड़ा मस्त है, वो भी आपको दिखाते हैं। सुबह उठ गए हैं, सोए तो वैसे हम लगभग कितने 6 आवर्स के आसपास सोए हैं, है ना? हमारा 7:40 हाँ नहीं 5 घंटे 40 मिनट सोए हैं, फिर तो हम 2 बजे सोए थे शायद, है ना? 2 बजे सोए थे, हाँ 1:30-2 बजे सोए थे, क्योंकि हम पहुँचे थे 12 बजे। हाँ बैठ लिए थे ना दो के, हाँ 2 बजे सोए थे हम लोग। हाँ लेकिन फिर भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है, और जो बैक है वो ठीक हो गई है, पेन तो कोई नहीं है, बट शायद इनोवा में ही वापस जाना पड़ेगा हमें। मन तो कर रहा है मेरी बॉडी के बाद दोबारा साइकिल चलाए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। रात का खाना है जो संदीप जी जो यहाँ के खाने के इंचार्ज उन्होंने भिजवाया था, और हमें पता लगा कि एक्चुअली ये आउट ऑफ द प्रोटोकॉल है, खाना कमरे में कभी भिजवाया नहीं जाता, क्योंकि हम साइकिल पे आ रहे थे तो वो इमोशनल हो गए, इसलिए उन्होंने हमें भिजवा दिया। अभी तो आप खाली प्लेट ही देख सकते हैं सर। ये प्रदीप और ललित हैं, और ये
महारानी की थोड़ी सेडक्टिव फोटो है। यहाँ भी एक और सेडक्टिव फोटो है महारानी की, सच में सेडक्टिव। ये राजा रानी की फोटोज हैं, यहाँ पे भी राजा रानी की फोटो है, दो लैम्प शेड है। यहाँ अंकुर में रात को सोए, प्रदीप का कमरा और भी औसम है। ये मिनी बार है, ये गैलरी है, सब कुछ एक ही कमरे में है एक्चुअली। आप देखिए अंकुर आ रहा है बाथरूम से, और ये प्रदीप का कमरा है, इसमें इन्होंने अलग से एसी लगाया है। बाहर का व्यू औसम है दोस्तों, आपको नीम डाड़ा फोर्ट का टूर भी कराएंगे तो मज़े नहीं आएंगे। देखिए आप मुर्गा भी देख सकते हैं, वो बांध देता है वैसे वो नकली लोहे का मुर्गा। ये प्रदीप का आलिशान बेड है, और ये एनर्जी बार है जो हमने इस्तेमाल की रास्ते में। सो ये मैं हूँ शीशे में, और ये औसम है, मतलब बेसिकली दिस इज क्वाइट गुड। अच्छा बाथरूम में कहूँ को इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं बाहर आ गया हूँ रूम के। और अब आप देख सकते हैं व्यू, यहाँ हिल्स हैं, और नीचे यहाँ सपोजिटली गाना डिनर हुआ था जो हमारा मिस हो गया। बाकी ऑसम व्यू है, अभी स्विमिंग पूल आएगा ब्रेकफास्ट के लिए, हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। तो पूरा किले वाली फील आ रही है, बट इसको दिखाने के लिए आपको दोबारा से हमें को दिखाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू। हम ब्रेकफास्ट ले रेडी हैं, सब लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। हाय अंकुर। हेलो। आयरन मैन इन मेकिंग। एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी है इसमें, जो पीछे एक लाइट से नजर आ रही है वहाँ एक और रूम है लंच के लिए। और यहाँ से व्यू देखिए कितना ऑसम है। तो आयरन मैन करने के इतने मज़े आने वाले हैं, ये कभी इमेजिन नहीं किया था। सो ये देखिए अब सेकंड राउंड चल रहा है आफ्टर फ्रूट्स। मैं डोसा खा रहा हूँ, ये इडली और सेवियाँ खा रहे हैं, अंगूर भी इडली और सेवियाँ खा रहे हैं। तो हो सकता है इसके बाद हम कुछ और भी खाएं, बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। ये अंगूर आफ्टर ब्रेकफास्ट फोटोग्राफी के मज़े ले रहा है, प्रदीप जो है व्यू के मज़े ले रहा है। व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना ऑसम व्यू है। ये किला है, सामने नीमराना सिटी है, और ऊपर धूप है, मतलब ऊपर पूरा किला है। और यहाँ पे जिप लाइन भी होती है, फिर वो तो ट्राई करने में भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं तो रिलैक्स करूँगा, ये लोग घूमने जा रहे हैं। तो अभी के लिए ऑसम पूल है, पूल तो ज़्यादा गहरा नहीं है, बट जितने लोग इसमें स्विमिंग कर रहे हैं या पहले भी कर रहे थे उससे लग रहा है कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो मोस्ट लाइकली हम भी यहाँ मिलेंगे एक दो घंटे बाद। हाय फ्रेंड्स, अब हम वापस जाने का टाइम आ गया है, सुरेंद्र की वेट कर रहे हैं क्योंकि साइकिल्स तो टैक्सी में वापस जाएंगी। अब हमारी हिम्मत नहीं है दोबारा ड्राइव करने की। तो अंकुर और प्रदीप के विचार ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार 125 किलोमीटर किए थे डायरेक्टली फ्रॉम ज़ीरो। सो अंकुर जी क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहूँगा अभी तो, लेकिन हाँ जो भी टाइम है मेमोरेबल था, लेकिन नो डाउट अभी जाने का बिल्कुल मन नहीं है साइकिल के ऊपर। इट्स वाज एन ऑसम ट्रिप, आई एंजॉयड हियर, आई हैव टेक मींस जो हॉलीडे का पूरा पैकेज का एंजॉयमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिया। आई हैव आल्सो स्विम आल्सो स्पा टेकन स्पा आल्सो एंड आफ्टर लॉन्ग राइड्स सो मच रिलैक्सेशन वाज देयर। So, बहुत ही इमोशनली अटैच हो गया इस जगह से। I really like it. Would you like to come to again? Yeah, definitely. जब हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी शायद हम अगली बार आएँ तो दोनों ट्रिप early in the morning. वैसे तो हमने 125 किलोमीटर किए, मेरा ये सेकेंड सेंचुरी रन था, अंकुर और प्रदीप का ये पहला सेंचुरी रन था, तो मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी फील हो रहा था और टेंशन भी हो रही थी।
बिकॉज स्टार्ट करने का प्लान लगभग 1:30 बजे का था, बट वो खींचते खींचते कब 4:30 हो गया, रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और यहाँ पे गला डिनर 8 से 10 का था, तो प्लान ये था कि लगभग 9 बजे तक हम यहाँ पहुँच जाएँ विद स्पीड ऑफ जैसे 20 something km/h। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया, एवरेज स्पीड हमारी 16.3 किलोमीटर आई है, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी हैवी था, अंधेरा काफ़ी जल्दी हो गया। तो ये सजेस्टेबल नहीं है कि रात को 4 बजे चला जाए या 4:30 बजे, बेटर है कि सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग में चलें, ताकि 12-1 बजे तक लोग यहाँ पहुँच के आराम से लंच कर सकें। तो वो हमारा काफ़ी गलत डिसीजन था। हम तीनों साइकिल्स में लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं था, मेरी फ्रंट लाइट चल रही थी तो बैक नहीं चल रही थी, अंकुर की बैक लाइट की फ्लिकरिंग थी तो फ्रंट नहीं थी, जो प्रदीप की लाइट थी वो थोड़ी हल्की थी। एनीवे वी मैनेज्ड एंड हैट्स ऑफ टू बोथ प्रदीप एंड अंकुर, बिकॉज दोनों की पहली राइड थी और वो भी सेंचुरी राइड, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने पहली बार की थी तो मुझे भी ध्यान है कि बाकी सब लोगों ने रुक के क्लैप किया था, तो वी मेड इट अ पॉइंट कि विल मेक ए वीडियो एट दैट टाइम। बट इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू ट्रैवल ऑन साइकिलिंग इन नाइट एंड इवन इन आयरन मैन ऑल्सो, जो सुबह का जो साइकिलिंग का टाइम है इट विल बी अराउंड से 9-ish to 4 and 5, तो वो भी दिन में ही करना होगा, तो रात को ही एडवेंचर करना मुझे तो काफ़ी डेंजरस लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई वोंट रिकमेंड इट। बट हो गया, मज़ा आ गया, तो कुछ भी कहा जा सकता है, बट आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हम घर पहुंच गए हैं और नीचे उतर रहे हैं। ये मेरा बेटा आ गया आर्यन। Congratulations to all Papa, Pradeep, Uncle, Chachu. You did it. और थोड़े टाइम बाद मैं भी आपके साथ साइकिलिंग के लिए आऊँगी, लेकिन हाँ, मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है, 5 किलोमीटर भागने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, पर यस मैं भी आऊँगा, मैं पहले से साइकिलिंग करता हूँ। और वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को पता ही था आप कर लोगे, और मैंने आपसे कुछ चीज़ें भी सीखी कि हाईवे में कैसे चलाते हैं, क्योंकि इन नेक्स्ट 4 ईयर्स मैं भी आपके साथ आऊँगा, सो थैंक यू।